चलिए अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर आपको मेरी मैं आवाज बा मिल पा रही है? हाँ, मिल रहे। हाँ, मेरे 3 सवाल है मैडम। जी पूछिए। हाँ, मैं विदर्भ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। विदर्भ है, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो प्रकाश राठौर बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 65 साल है मैडम। जी सर। मेरा बचपन से हार्ट कमजोर है और मेरे पल्स रेट 55 है, इसलिए मैंने आपके डॉक्टर लोगों से फोन लगा के बताया और उन्होंने मुझे नुस्खा बताया। 1 लीटर लहसुन का रस, 1 लीटर नींबू का रस, 1 लीटर अदरक का रस और 1 लीटर जैतून का सिरका मैंने बोला है। वो मिला के 3-3 चम्मच सुबेरे शाम ले रहा हूँ। मेरे को 50% ज्यादा आराम मिला है बहुत बहुत उससे। मुबारक, बहुत बहुत और मुबारक। हाँ, और मेरी बात सुन लो। आगे सवाल ये है कि सवाल एक मेरी लड़की 42 साल की है, उसको माइग्रेन है बहुत दिन से। बहुत जगह बताया, ये अपने एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, इसलिए उसको कुछ आराम पड़ा नहीं, उसके लिए बताना। और दूसरी बनती है, वो 45 साल की है, उसे 2 महीने से शुगर बढ़ी है, उसके लिए नुस्खा बताना। ठीक है। और मेरी उम्र 65 साल है, मुझे मौसम बदलते एलर्जी होती है मैडम, कैसी एलर्जी तो उसके सर? लिए मैंने माजुम के आर बुलाया 15 दिन पहले ही। ठीक है हाँ, ठीक। तो वो माजुम के आर अभी चालू है मेरा, और कल मैंने वो जैतून का सिरका भी बुलाया डबल से। तो वो सिरका और ये साथ में लिया तो चलता क्या, ये पूछने था मेरे को। ठीक। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है, बिल्कुल बहुत संभल के, बहुत समझा के बात किया, और भगवान भी आपको बहुत पसंद करता है। आपकी जो बचपन से तकलीफ थी दिल की, कमजोरी की और पल्स की, उसमें 50% फायदा दे दिया इतनी जल्दी। जब तक पूरी तकलीफ ना जाए आप ये नुस्खा लेते रहें, और माजून आर केयर आप ले सकते हैं। और माजून आर केयर आप सुबह निहार मुँह लें जो आपके पास है, और गर्म पानी से लें दिन में एक बार। ये बहुत ज़रूरत हो तो रात को सोते समय भी ले सकते हैं, लेकिन ये जब भी लें गर्म पानी से लें, और दूध ना पिए, पानी से लें, गर्म पानी हो, या इसको खाने के बाद चाय पी सकते हैं गर्म गर्म। महाराष्ट्र में चाय बहुत अच्छी मिलती है, मुझे मालूम है, मैं रहा हूँ 20-25 साल वहाँ। और एक पेशेंट को माइग्रेन है, एक को शुगर है। अच्छा, देखिए, जिनको शुगर है उनको ये जो आप नुस्खा लेते हैं ये दे सकते हैं, 3-3 चम्मच। ये जो आप जैतून के सिरके वाला नुस्खा लेते हैं, ये 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम उनको दे सकते हैं, उनकी दवाओं के साथ। तो बहुत कंट्रोल करता है ये शुगर को भी। और जिनको माइग्रेन है उनके लिए देखिए, एक ऐसा करें, एक तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज, और ऐसे देख लीजिए आप, ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट करनी है, एक साथ नहीं कर पाएगी बच्ची, तो कहें कि पूरे दिन में 3-3 मिनट ये कर लें, इंसाफ से, ईमानदारी से, घड़ी देखकर। अक्सर हम 2-4 बार करते हैं, सोचते हैं 3 मिनट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। और एक आता है, तो याद रखें, ये बहुत कम लोग जानते हैं, नकली ना दे दें, और चिलगोजे का गोंद आता है, एक गोंद यानी गम, गोंद चिलगोजा, ये मटियाले कलर का होता है, जैसे मिट्टी होती है ना ऐसे कलर का होता है, एक चुटकी गोंद चिलगोजा और लें और वो खा लें, बस एक चुटकी, पूरे 24 घंटे में एक चुटकी खाना है। और एक चुटकी नमक जैतून
और एक चुटकी खाने का सोडा, दो गिलास पानी मिलाकर इस दो गिलास पानी से रात को सोते वक्त ये गौन चिलगोजा 24 घंटे में बस एक खुराक दिया करें। डॉक्टरों की दवाएं भी दे सकते हैं साथ में, लेकिन ये बस एक ही खुराक दे, बहुत तेज नुस्खा है, आपको फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो अशोक जी, आप लाइन पे हैं सर? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैंने गौन मोरिंगा सफेद वाला और जैतून का सिरका मंगाया जी। गौन मोरिंगा सफेद और जैतून का सिरका मंगाया था मैंने। ठीक है सर। हाँ, तो उससे मुझे हाँ जी हो, और उससे मुझे आराम तो है। नमस्कार जी। अच्छा, आराम है आपका, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो उसमें मुझे कोई परहेज तो नहीं कोई करना है? किस चीज के लिए खा रहे हैं? मुझे लीवर के लिए बताया था। ठीक है, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, उसे ले रहे हैं, फायदा भी शुरू हो गया, अच्छी चीज है लीवर के लिए। और फैट से परहेज, लीवर की कोई परेशानी हो, लीवर बढ़ गया हो, लीवर जॉइंटिस हो, लीवर ठीक से काम नहीं करता हो, तो एनिमल फैट से परहेज करना चाहिए। एनिमल फैट घी में भी होता है, मक्खन में भी होता है, और दूध में भी होता है, और मीट में भी होता है। ये चर्बी एक ही सी होती है इन सब में, मीट में भी और दूध में भी और घी में भी, तो इससे परहेज करें। अच्छा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार इस्तेमाल करें जब तक आप मुकम्मल अच्छे ना हो जाए। पंजाब से हैं अनीशा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हमने ना नमक का जैतून मंगाया था मेरी मम्मी के लिए। क्या दिक्कत थी उनको? उनको पेट की प्रॉब्लम थी, मतलब लैट्रिन नहीं आती, पेट की समस्याएं काफी थी, और एक उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और उनको शुगर भी है। और वो नमक जैतून भी उन्होंने लिया, और अभी पहले आप मंगवाया था रस था जैतून शायद, उसको ठीक है एक वो, और सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनका ना मुंह पक जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जल्दी। अच्छा, पेट ठीक हो गया उनका बच्चा? पेट भी अभी इतना ठीक नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम, पेट में भी लैट्रिन नहीं आती प्रॉपर, बीपी बहुत बढ़ता है उनका, शुगर भी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। और एक सवाल मेरे पापा के लिए है। पापा का जो है वो भी ले रही हैं, एक गूंद था, गूंद सिया, ठीक है, वो ले रहे हैं, और कुछ उसमें जड़ी बूटियां मैं आकर भेजी थी यहाँ से आपने, वो भी ले रही हैं, और उनका ना ब्लड कम है, बीपी मतलब एच भी कम है, खून की कमी है। दर्द में फायदा हुआ उनको? दर्द में हाँ थोड़ा फायदा है, दर्द में फायदा तो है, लेकिन खून में बहुत कमी है। ठीक है, कमजोरी बहुत अभी भी जी। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बच्ची है, अपने मम्मी पापा का ही सवाल किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। ऐसे बच्चे बहुत भगवान को प्यारे होते, लेकिन कर लेते अपने लिए भी कोई सवाल, तो कोई बात नहीं थी। और जो देखिए, मम्मी का पेट जब तक ठीक ना हो, जब तक मुँह के छाले ठीक होना मुमकिन नहीं है। जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो मुंह में भी हो जाते हैं, ये इंतहा है, तो वो पूरा फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा शुरू हो गया उनको। और एक चम्मच दिन में एक बार या दो बार, एक आता है बच्चा अरंडी का तेल, ये मेडिकल स्टोर पर मिलता है, किसी अच्छी कंपनी का ले लें, अरंडी का तेल या कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, आप समझ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो एक चम्मच उन्हें पिलाया करें, और ये पिला के गरम गरम पानी या गरम गरम चाय पिला दें, इसमें एक बार या दो बार, पहले एक बार से शुरू करें, तो फिर मम्मी का पेट अच्छा पूरी तरह हो जाएगा। और ये नुस्खे जारी रखें और शुगर भी कंट्रोल करें, पेट ठीक ना होने से भी शुगर में इजाफा रहता है, जिस दिन पेट से सही होता है उस दिन शुगर बहुत कंट्रोल मिलती है, ये मेरा
तजर्बा है, मेरा अनुभव है। पापा के खून के लिए नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं और अलसी और धनिया 100-100 ग्राम लेके हल्का सा भून के पाउडर बना लें, इसका 1 चम्मच खिलाएं और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के ये उन्हें पिला दिया करें दिन भर में बस एक बार, तो इससे उनका खून बनना शुरू होना चाहिए। लीवर का की जिम्मेदारी फिर वो पूरी करने लगेगा अपनी, इससे दूसरे भी बहुत फ़ायदे होंगे उनको। और ये आपके डैडी के लिए नुस्खा बहुत बेहतर है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ जम्मू से, जसपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद साहब, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे 3-4 सवाल हैं। एक तो मेरे लिए, मैंने गोलसिया खाया था, मेरे को बहुत ज्यादा आराम है जी। तो दूसरी बार भी मैंने मंगवाया, क्या मैं वो खा सकता हूँ? तो दूसरा सवाल है सर। हेलो जी जी, जसपाल जी हम सुन रहे हैं। सर दूसरा सवाल है मेरी 22 की बहन के बारे में है। उसको उसने पित्ते की पत्थरी निकाली थी, तो सर उसको रोटी हजम नहीं होती, गैस मतलब डकार आते रहते हैं, तो सिर दर्द होती रहती है, तो उसकी सेध नहीं बनती, मतलब कमजोर हो गई है। तो तीसरा सवाल मेरी माँ के लिए सर, उन्हें उनकी पेट में थोड़ा ठीक नहीं रहते, मतलब जैतून का नमक मंगवाया था मैंने, तो क्या उनके लिए कोई नुस्खा? तो चौथा है मेरी लड़की के लिए सर, वो मधु नारकेर खा रही है, तो उसको दाने दाने से होते हैं, गैस बनती है मतलब, तो वो भी जैतून का नमक, उसने दवाई बहुत खाई है, जैतून का नमक ले सकती है वो भी क्या? बहुत अच्छे सवाल किए हैं आपने जसपाल जी। पहले तो आपको मुबारक कि आपको भगवान ने फायदा दिया, और ये फायदा अपने तक मत रखना, तमाम जहाँ तक आप को लोग जानते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। लोग बहुत दुखी हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता, आप उन तक ये बात पहुँचाएँ कि एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जिससे फ़ायदा होता है, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और सवाल बताइए, इन्होंने गौंसिया का इस्तेमाल किया था, आराम मिला है, दोबारा करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, गौंसिया अपनी ज़रूरत में आप और भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। पत्नी की जो बहन है उनका पित्ता निकाल दिया गया, खाना हजम नहीं होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। जब घर में खाना बने तो आज मेरे तरीके से घर में खाना बनवाएं, उनके घर में देखिए जो भी खाना बनाती है ना महिलाएं, उसमें अदरक इतनी सी डालती है, इतना सा लहसुन और इतना सा ही ज़ीरा और धनिया भी ज़रा सा, इतनी अदरक और इतना ही लहसुन, देखिए कितना मैं बता रहा हूँ, और ज़ीरा भी खूब सारा और धनिया भी खूब सारा, बस ये मसाले बढ़ा लें। जो शख्स ये मसाले इस कदर यूज़ करे, तो ये मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मसाले और ये खाना सब्जी सालन पित्ते का काम करने लगता है, आप ये कभी इस्तेमाल करके देखें। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नमक जैतून उन्हें दे सकते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून के इसका पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी धनिया का पाउडर खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के दिन भर में एक बार या 2 बार पिला दिया करें, बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है जी। अपनी मम्मी के लिए सवाल था, उनका पेट ठीक नहीं रहता। हाँ, नमक जैतून ले सकते हैं वो, और वो 6 चीज़ों के साथ लें, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, 6 चीज़ों का पाउडर घर में। अब जब से मुझसे जुड़े हैं लोग तो अपने घर में ये पाउडर बना के रखते हैं, 6 चीज़ों का, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सबको पाउडर बना के रखें, इसका 1 चम्मच भर के खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर खा लिया करें, इससे बहुत
सारे फायदे होते, 10-12 फायदे होते, एसिडिटी, कब्ज, गैस, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, मुहासे, इन सब में फ़ायदा होता है। किसी को अगर इत्तफाकन इससे कम फायदा लगे तो एक चम्मच कैस्टर ऑयल पीकर गर्म पानी या चाय पी लिया करें, मजीद फायदा भी मुमकिन है। जी, आखिरी सवाल था अपनी बच्ची को लेके, बच्ची माजू नारकेर का इस्तेमाल कर रही हैं और काले दाने बनते हैं, तो क्या वो जैतून के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, बस एक चुटकी 2 गिलास पानी में या एक बोतल में डाल लिया करें पूरी 1 लीटर की, और ये पूरे दिन में ये 1 बोतल पानी जिसमें 1 चुटकी नमक जैतून पड़ा हुआ है ख़त्म कर लिया करें, और बाकी अपना ज़रूरत का पानी पी सकते हैं जो आमतौर पर पीते हैं, तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीने बच्ची को इलाज करना है अगर मुकम्मल फ़ायदा चाहिए तो।